Welcome to Kushmanda Education. Time to think about success. You can join us for different type of courses now. All courses are available on a single platform. You can also become an IAS officer, HCS topper, and Naib Tahsildar. You can also crack HTET exam, SSC, banking, NDA, HSC, UPPCS, Punjab TCS, HBAS. You can also crack all the exam with our guidance, our study material and all type of our help. Our helpline numbers are 860-7570-992-9728-926678. Hamara email hai kushmandaeducation@gmail.com. Website www.kushmanda.com, जहाँ पर आप हमारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी सारी डिटेल पता कर सकते हैं. हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, सो कॉल अस नाउ. सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुशमांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहे. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल. आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन. तो चलिए शुरू कर देते हैं सोशलाइजेशन. सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की. द वर्ड सोशलाइजेशन कैन मीन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोशल. सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोशल, यानी सामाजिक बनना ही सोशलाइजेशन प्रोसेस का मीनिंग है. द एक्ट ऑफ adapting behavior to the norms of a culture or society is called socialization. किसी भी कल्चर और सोसाइटी के बिहेव के जो नॉर्म्स हैं उनको अडेप्ट कर लेना क्या है? सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन कैन ऑल्सो मीन गोइंग आउट एंड मीटिंग पीपल और हैंगिंग आउट विथ फ्रेंड्स. जो सोशलाइजेशन है वो लोगों को समझना, उनसे मिलना और फ्रेंड्स बनाना भी एक तरह से सोशलाइजेशन है. तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपको क्या याद रखना है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोशल और अडेप्टिंग बिहेवियर टू द नॉर्म्स ऑफ कल्चर और सोसाइटी. नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशंस को और देख लेते हैं जो कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी है. जैसे कि बोवार्डस ने सोशलाइजेशन को बोला है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर and developing group responsibilities. Bogardus ke according kya hai socialization? Process of working together or developing group responsibility. Next jo definition di hai wo di hai Ogburn ne. Inhone bola hai ki socialization is the process by which the individual learn to conform to the norms of the group. Yani ki jis process ke through koi bhi individual hai jo wo किसी ग्रुप के नॉर्म्स को लर्न करना सीखता है उसको हम बोलते हैं सोशलाइजेशन. और ये किसने बोला है? ओकबर्न ने. नेक्स्ट एक थर्ड डेफिनेशन और देख लेते हैं जो कि कॉली ने दी है. सोशलाइजेशन इज ए सोशल प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल डेवलप हिज ओन सेल्फ बाय लर्निंग द नॉर्म्स एंड बाय नोइंग अबाउट हिज ओन सेल्फ फ्रॉम अदर्स. कोहली ने एक अलग ही तरह की डेफिनेशन दी है जिसने उन्होंने बोला है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो है ओन सेल्फ डेवलप करना लर्निंग द नॉर्म्स के थ्रू और उसके खुद के जो सेल्फ है उसको दूसरों से सीखना, इन्होंने क्या बोला है? सोशलाइजेशन. नेक्स्ट आता है हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एंड अडल्ट लर्न फ्रॉम अदर्स. यानी सीधी सी बात आपको ये याद रखनी है, सोशलाइजेशन प्रोसेस में क्या है कि हम कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं. हम किस तरह से लर्न करते हैं? दूसरों के साथ में लर्न करते हैं, अपनी सोसाइटी से कुछ सीखते हैं, अपने कल्चर से कुछ सीखते हैं. यानी कि एक सिंगल पर्सन की सोशलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो सकती है. जब वो किसी सोसाइटी का मेम्बर के एज ए प्रेजेंट होगा तो ही सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो बिगिन होगी. जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हो जाती है? अर्ली डेज ऑफ लाइफ में शुरू हो जाती है और ज़्यादातर पीपल्स की जो है सोशलाइजेशन पूरी की पूरी लाइफ चलती है. कभी कभी जो लर्निंग है वो फन होती है और जब हम नए स्पोर्ट को सीखते हैं तो लर्निंग कैसी होती है? फन होती है. आर्ट और म्यूजिक को सीखते हैं तो लर्निंग कैसी होती है? फन होती है. फ्रॉम ए फ्रेंड वी लाइक, ठीक है. और
कभी कभी क्या होता है कि सोशल लर्निंग जो होती है वो पेनफुल होती है। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं लेकिन हम बहुत ज़्यादा फास्टली नहीं चला पाते हैं और बहुत ज़्यादा फाइन स्पीडिंग हम नहीं कर पाते, तो कैसी लर्निंग होती है? पेनफुल होती है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस में आप लोगों को क्या याद रखना है कि एक तो यही बात कि चिल्ड्रन और अडल्ट जो हैं दूसरों से सीखते हैं, उसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। और ये बहुत ही शुरू में हमारी ज़िंदगी में शुरू हो जाती है और लगभग हमारी पूरी लाइफ ही चलती है। और कभी कभी जो लर्निंग है वो फन होता है, और कभी कभी जो लर्निंग है वो पेनफुल होता है। जब हम अपनी पसंद की चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं अपने पसंदीदा व्यक्ति से तो हमारे लिए वो फन हो गया, लेकिन जब हम ऐसे काम को भी कभी कभी हमें सीखना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं होता तो ये हमारे लिए पेनफुल भी हो सकती है। मैन ए सोशल एनिमल, मैन जो है वो एक सोशल एनिमल है, तो मैन को बोला गया एक सोशल एनिमल। आपको इस बात को याद रखना है सोशलाइजेशन प्रोसेस में मैन इज एज ए सोशल एनिमल बोला गया है। जो चाइल्ड है वो मैन और पर्सन बनता है वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू, यानी कि जब एक बच्चा होता है तो वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को सीख कर देखता है, सीखता है, महसूस करता है, और इस तरह से वो एक अडल्ट और फिर मैन वो बन जाता है। हर सोसाइटी का जो होता है अपना एक वे होता है, और हर सोसाइटी का जो गिविंग सोशल ट्रेनिंग होती है वो एक अलग होती है न्यू मेंबर्स के लिए। तो जो न्यू मेंबर होता है वो उसके थ्रू अपनी खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो कंटिन्यूड होती है बाय कल्चर से, यानी हर कल्चर में सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो अलग अलग होती है। सोशलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस वेयर बाय एन इंडिविजुअल बिकम ए फंक्शनली मेंबर ऑफ द सोसाइटी। आपको ये भी टर्म याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? जहाँ पे एक जो इंडिविजुअल है वो फंक्शनिंग मेंबर बन जाता है किसी भी सोसाइटी का। सिंस वी वर बॉर्न, जब से हम पैदा होते हैं तब से क्या शुरू हो जाता है हमारा? सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। तो टाइप ऑफ सोशलाइजेशन के लिए क्या है कि कुछ लोगों ने चार टाइप बताए हैं और कुछ लोगों ने पांच टाइप बताए हैं, लेकिन जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है वो चार टाइप है जिनको यान रॉबर्ट स्टोन ने बताया था 1977 में। और उन्होंने चार टाइप बताए थे, प्राइमरी, एंटिसिपेटरी, डेवलपमेंटल और रीसोशलाइजेशन। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने जिन्होंने पांच टाइप बताए हैं उन्होंने एंटीसिपेटरी के साथ में एक और टर्म को जोड़ दिया है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। लेकिन कुछ लोगों ने सेकेंडरी को और एंटीसिपेटरी को एक ही माना। ओके, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ऑप्शन में सेकेंडरी भी है तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी प्रोसेस कब शुरू होती है? हमारी अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में, जबकि बच्चा जो है एक वो एक न्यू बॉर्न है। और इसमें क्या होता है, वो कंसंट्रेशन करता है टीचिंग के ऊपर, जिसमें उसको लैंग्वेज और कॉग्निटिव स्किल्स सिखाई जाती हैं, इमोशनल टाई सिखाई जाती हैं, और दूसरों के रोल को करना उसको सिखाया जाता है, यानी दूसरे लोग रोल किस तरह से करते हैं इस चीज़ के अंदर उसको वह सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी की, जिसको कभी कभी सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मैन है या जो पीपल है या जो बच्चा है वो सिर्फ कल्चर के थ्रू ही नहीं लर्न करता है, जिससे कि वो इंटीमेटेड मेंबर है जिसका कि वो दूसरे कल्चर से भी लर्न करता है जिसका कि वो मेंबर नहीं है। यानी स्टार्टिंग में प्राइमरी सोशलाइजेशन कब तक शुरू होती है? जब तक कि बच्चा जो है सिर्फ अपनी कल्चर के लोगों के संपर्क में आता है। लेकिन एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कब शुरू हो जाती है? जब वो सिर्फ अपनी कल्चर से ही नहीं सीखता है, अदर कल्चर से भी वो चीज़ों को सीखता है और लर्न करता है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, ये इसका थर्ड टाइप है। ये जो डेवलपमेंटल जो सोशलाइजेशन होता है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? अचीवमेंट्स ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी हमने जो भी चीज़ें अपने प्राइमरी सोशलाइजेशन में अचीव की है ये उन चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे वो स्किल्स बनते हैं जो कि हमने पहले से ही एक्वायर कर लिए हैं। और जैसे कि हमारे जो अडल्ट प्रोग्रेस होते हैं, जैसे नई सिचुएशंस में अपने आप को एडजस्ट करना, जैसे मैरिज के थ्रू, जॉब के थ्रू, यानी हमने प्राइमरी स्किल्स तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में सीख लिए हैं,
अब हम क्या है उन स्किल्स की हेल्प से अपने आप को नई सिचुएशन में एडजस्ट करना सीख रहे हैं। जैसे मैरिज आ जाती है तो भी एक नई सिचुएशन होती है ना, और जब अगर हमारी कहीं जॉब लगती है तो भी हमें नए लोगों का सामना करना पड़ता है, तो वो भी हमारे लिए एक नई सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे भी हम अपना सोशलाइजेशन कर रहे होते हैं, यानी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का मतलब है अपनी सोशलाइजेशन को और डेवलप कर रहे होते हैं। लास्ट स्टेज होती है हमारी रीसोशलाइजेशन, जिसमें कि हम दोबारा से सोशलाइजेशन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि द स्ट्रिपिंग ऑफ लर्न पैटर्न एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू वंस फॉर देम। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है अपनी जॉब के लिए या किसी और रीजन से बिल्कुल नई जगह पे जाके रहना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या है एक तरीके से वो रीसोशलाइजेशन है, यानी उनका दोबारा से सोशलाइजेशन हो रहा है उस कल्चर के साथ में, उस जगह के साथ में। नेक्स्ट हम कुछ इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं जो हमारी सोशलाइजेशन की है। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन क्यों ज़रूरी होता है? सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है कि बिना सोशलाइजेशन के ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, यानी बिना सोसाइटी के तो ह्यूमन रह ही नहीं सकता है। हर किसी को सबके साथ की ज़रूरत होती है, और हम आप सबने देखा होगा कि हमारी कोई ना कोई सोसाइटी ज़रूर होती है। हमारी बायोलॉजिकल को इवॉल्व विद और कल्चर और को डिपेंडेंट होती है इसके ऊपर, यानी हमारी जो बायोलॉजी होती है वो हमारी कल्चर के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। विदाउट सोशल इंटरेक्शन एट प्रॉपर टाइम ह्यूमन डेवलप इज डिलेड, यानी बिना सोशल इंटरेक्शन के जो ह्यूमन का जो पूरी तरह से उसका विकास होना है, डेवलपमेंट होना है, वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा और वो विकृत हो जाएगा। कुछ हमारे गोल्स होते हैं सोशलाइजेशन के। गोल्स ऑफ सोशलाइजेशन में है तीन प्राइमरी गोल्स बताए गए हैं। पहला जो है हमारा गोल जो होता है सोशलाइजेशन, हमें अपने इम्पल्स पे या हमारे आवेगों पे कंट्रोल करना सिखाती है, और इसकी हेल्प से कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने अंदर कंसाइंस को डेवलप करता है। सेकंड है हमारा सोशलाइजेशन जो है वो किसी को भी सिखाती है कि किस तरह से प्रिपेयर करना है और परफॉर्म करना है किसी भी सोशल रोल को, और ऑक्यूपेशनल रोल्स को, जेंडर रोल्स को, और जो रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि मैरिज और पेरेंटल रोल, इनको किस तरह से हमें प्ले करना है या उनको किस तरह से हमें जीना है, ये सब हम चीज़ें हमें कैसे सीखते हैं सोशलाइजेशन के थ्रू। क्योंकि सोशलाइजेशन के थ्रू ही हम देखते हैं कि दूसरे लोग इन रोल्स को किस तरह से जो है निभा रहे होते हैं। थर्ड हमारी जो गोल्स होते हैं सोशलाइजेशन के, वो होता है कि हमारी जो कल्चर्स के मीनिंग होते हैं और जो हमारी वैल्यूज होते हैं उनको शेयर करना दूसरे लोगों के साथ में, ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन की एजेंसीज यानी कि किन चीज़ों के थ्रू हम सोशलाइजेशन को सीखते हैं। फर्स्ट है हमारी फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप और मास मीडिया। फैमिली से भी जो है एक बच्चा जो है सोशलाइजेशन सीखता है, सबसे पहला जो ग्रुप होता है बच्चे का वो उसके माता पिता और उसका परिवार ही होता है। उसके बाद जो बच्चा है इंटरेक्शन वगैरह और सोशल चीज़ें जो है कहाँ से सीखता है, अपने स्कूल से सीखता है, अपने टीचर्स से। और इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जहाँ से बच्चा जो है नई थिंग्स और नई नॉलेज को सीखता है, वो क्या होती है हमारी पीयर ग्रुप होती है, यानी जो बच्चे के जो ग्रुप होते हैं जिनके साथ वो खेलता है वो सब। उसके बाद जो आजकल के टाइम में इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि जो हमारी मास मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं बच्चे की सोशलाइजेशन डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये जो चार हैं ये इम्पोर्टेंट है, बाकी तो बहुत सारे बन जाएंगे सोशलाइजेशन को डेवलप करने के लिए। कुछ सोशल इंस्टीट्यूट की भी हम बात कर सकते हैं जिनमें सोशलाइजेशन ग्रो होता है। सेम है एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। इन द सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन आर स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कोऑपरेशन गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ ए सेट ऑफ इंडिविजुअल विद इन ए गिवन ह्यूमन कोलेक्टिविटी। सोशल साइंस में कुछ इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म जो होता है जो बच्चे को कोऑपरेशन करना सिखाता है और उसके ह्यूमन जो बिहेवियर होता है उसको करना सिखाता है। इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूशंस के टाइप दिए हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर ऑफ कोर्स हमारी फैमिली आती है। जो फैमिली है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का, क्योंकि जो फैमिली है इसका सेंटर ही जो होता है वहाँ से ही बच्चे की लाइफ शुरू होती है, और जो इन्फेक्ट्स होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारा रिलीजन है,
ये भी एक एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है, जो कि हमारे रिलीजन ट्रेडिशंस होते हैं वो भी हमारे सोशलाइजेशन या हमारी सोशल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पीयर ग्रुप, जिनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते किसी बच्चे के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पीयर ग्रुप क्या होता है? एक तरह का सोशल ग्रुप ही तो होता है, जिसके जो मेंबर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट, सोशल पोजीशंस और उनकी एज जो होती है वो कॉमन होती है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, सुपरविजन को एक्सेप्ट करते हैं और रिलेशनशिप और उनकी वैल्यूज को सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारे लीगल सिस्टम। चिल्ड्रन जो है वो प्रेशर्ड होते हैं अपने पेरेंट्स से और अपने पीयर्स से एक ओबे और कंफर्म लॉ को फॉलो करने के लिए, नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए, जो जैसे पीयर ग्रुप के जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करने के लिए जो बच्चे हैं वो पीयर से प्रेशर होते हैं। फैमिली के रोल को फॉलो करने के लिए बच्चे जो है फैमिली से प्रेशर होते हैं, कम्युनिटी के रोल को फॉलो करने के लिए कम्युनिटी से वो प्रेशर होते हैं। तो ये हमारे कुछ लीगल सिस्टम्स होते हैं जो बच्चे को फोर्स करते हैं कि वो उस तरह के रोल्स को प्ले करे जो कि सोसाइटी चाहती है, जो कि उसके ग्रुप से चाहते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी लैंग्वेज। जो पीपल होते हैं वो सोशलाइजेशन को डिफरेंटली लर्न करते हैं, और एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है हर कल्चर की, हर ग्रुप की, सबकी। आपने देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी जगह पे आपके रिलेटिव्स होते हैं तो उनकी लैंग्वेज में भी फर्क आ जाता है। तो इस तरह से क्या है, सोशलाइजेशन में लैंग्वेज भी एक अच्छा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास मीडिया की, जो कि आजकल के टाइम में एक बहुत ही अच्छा साधन हो गया है इन पर्सनल कम्युनिकेशंस का, जो कि जिसके कि बहुत सारे वास्ट ऑडियंस होते हैं, और मास मीडिया का भी बच्चे की लाइफ के ऊपर या सोशलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फैक्टर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं, इनको आपको लर्न करना है। इमिटेशन, सजेशन, आइडेंटिफिकेशन और लैंग्वेज। इमिटेशन क्या है? किसी के व्यवहार को कॉपी करना और उसके एक्शंस वगैरह को भी, जिस तरह का वह व्यवहार करते हैं, एक्शन करते हैं, उनको कॉपी करना क्या है, इमिटेशन होता है। यानी किसी के साथ बहुत गहरे से जुड़ जाना इमिटेशन होता है। उसके बाद सजेशंस को आप समझते ही हैं, किसी को सजेस्ट करना, इसको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, जो कि कोई लॉजिकल और सेल्फ एविडेंट बायस इसके अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्न है, ये जो कि ज़्यादातर अर्ली एज के बच्चों में होता है। बच्चे जो हैं वो कोई भी डिस्टिंक्शन अपने ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के बीच में नहीं बना सकते हैं। उनके जो ज़्यादातर जो एक्शंस होते हैं वो रैंडम होते हैं, और आइडेंटिफिकेशन में बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता के जो कार्य होते हैं, जिस तरह से वो काम काज करते हैं या ड्रेसिंग करते हैं, उन सब चीज़ों को अपने अंदर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज भी क्या है, एक मीडियम ऑफ सोशल इंटरकोर्स होता है, और इससे क्या करते हैं हम, कल्चर ट्रांसमिशन इससे होता है, एक कल्चर से दूसरी कल्चर में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो बातें जो होती हैं वो किसके थ्रू होती है, लैंग्वेज के थ्रू। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन अकर्स नेचुरल प्रोसेस सोशलाइजेशन और प्लांट सोशलाइजेशन। नेचुरल जैसे कि नाम से ही पता है कि ये नेचुरल वे में होता है, जबकि कोई इन्फेक्ट होता है, कोई यंगस्टर होता है वो प्ले कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है जो कि उसके आसपास का सोशल वर्ल्ड है, और ये चीज़ें जो है नेचुरल वे में होती है, यानी इसके लिए कोई पहले से चीज़ें सेट नहीं होती है कि ये चीज़ें सीखेंगे या नहीं। तो ये होता है हमारा नेचुरल सोशलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट सोशलाइजेशन की, तो ये तब होता है जब हम किसी को सिखा रहे होते हैं और ट्रेन कर रहे होते हैं, यानी हम एक्शंस को जो है पहले से डिजाइन करके रखते हैं कि किस तरह से हमको किसी को क्या सिखाना है, इसको बोलते हैं हम प्लांट सोशलाइजेशन। नेक्स्ट कुछ एलिमेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के, थोड़ा उनको भी देख लेते हैं क्या होते हैं। दियर आर थ्री एलिमेंट्स विच प्ले दियर पार्ट इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल, जो कि है द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति की फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल उसकी जो हेरिटेज है या जो उसकी विरासत है, वो भी सोशलाइजेशन का एलिमेंट्स है और बच्चे के सोशलाइजेशन को इफेक्ट करता है। द एनवायरमेंट इन विच ही इज ब्रॉन, ये भी सब चीज़ क्या है, सोशलाइजेशन को इफेक्ट करती है। और नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चर, जिसमें कि हम इंट्रेक्शन करते हैं, और ये भी एलिमेंट्स होता है, क्योंकि कल्चर के रोल को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। जहाँ की जिस तरह की कल्चर होती है उसी तरह के लोगों का बिहेव होता है। देयर आर थ्री प्रिंसिपल एलिमेंट्स द लुकिंग ग्लास कंसेप्ट आर
सबसे पहला जो है हमारा परसेप्शन जो है कि हम दूसरों को किस तरह से देखते हैं, ये भी हमारी सोशलाइजेशन प्रोसेस को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा परसेप्शन है कि दूसरे किस तरह से जजमेंट करते हैं कि हम कैसे देखते हैं, ये चीज़ भी जो है हमारी सोशलाइजेशंस का एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है कि हमारी फीलिंग जो है उन इन जजमेंट्स के बारे में वो क्या है, तो ये सब चीज़ें जो है ये भी सोशलाइजेशन को इफेक्ट करती है। सबसे लास्ट में हमारा कंक्लूजन निकल के आता है, हम इसके बारे में भी कुछ विचार कर लेते हैं कि हमारा समअप क्या है। ज़्यादातर जो सोशलाइजेशन होती है वो क्या होती है, टर्न अस इंटू फॉर्मिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी सोशलाइजेशन का काम क्या है, हमको एक सोसाइटी के कन्फर्मिंग मेंबर के रूप में हमको ढालना। जब हम कुछ चीज़ों को देखते हैं और दूसरे भी उस काम को करते हैं, वी डू सम थिंग्स एंड नॉट अदर्स, जब हम कुछ काम को करते हैं लेकिन दूसरे नहीं करते हैं, तो ये किस चीज़ का रिजल्ट है, सोशलाइजेशन का, क्योंकि हमारी सोसाइटी में उस तरह की हमारी जो है सोशलाइजेशन हुई है। आवर सोशल मिरर द रिजल्ट ऑफ बींग सोशलाइजेशन इन टू सेल्फ एंड इमोशन सेट अप इफेक्टिव कंट्रोल्स ओवर आवर बिहेवियर। हमारा जो सोशल मिरर होता है वो किस चीज़ का रिजल्ट होता है, सोशलाइजेशन का होता है, जो कि हमारे सेल्फ और इमोशंस का सेटअप होता है जिससे कि हम अपने बिहेव के ऊपर कंट्रोल करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को लेसन पसंद आया होगा और जल्दी ही हम एक न्यू लेसन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा IAS HCS एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।